सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत ही एक्शन लिया है और इसके संबंधित में एक्शन के लिए पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, एसपी सोनीपत, एसपी पानीपत को, मोमिन मलिक एलियस मोमिन खान सनफ लेट उमरदीन जो कि पंजाब एंड हरियाणा डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा बाय डीसी नंबर 2/22 टाइटल राजेंद्र कौर वर्सेज मोमिन एडवोकेट सोनीपत, जिसमें उनको लाइसेंस जमा करने, डिग्री जमा करने, अपना आईडी कार्ड जमा करने का आदेश 4/6/22 को ही हो चुका है। उसके बाद से लगातार वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री असंसदीय गैर कानूनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार सीमा सचिन मीना उसके परिवार के लिए लगातार कुछ दिनों से कर रहे हैं जबकि चुनाव के समय है। ऐसे में एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ को एसपी सोनीपत, एसपी पानीपत तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सोनीपत और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पानीपत को एक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। इससे देश के सब वकीलों की बदनामी हो रही है, वकालत की बदनामी हो रही है, असंसदीय अपमानजनक भाषा, जो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद भू माफिया के केस हैं, लैंड ग्रेबिंग के केस हैं, मकान कब्जे के केस हैं और लगातार कितने सिविल और क्रिमिनल केसेस FIR पेंडिंग हैं, चल रहे हैं, उन्हें वांटेड के आदेश हैं, उनमें गिरफ्तारी होनी है और वो भाग रहे हैं और ऐसे व्यक्ति लगातार समाज को दूषित कर रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और एडवोकेसी का भी दुरुपयोग करके इस तरह से लगातार गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं जो कि निश्चित तौर पर एक्शनेबल है। और इससे कि कुछ पाकिस्तान के जो हमारा दुश्मन देश है वहां के तथाकथित लोगों से सांठ गांठ करके, और ऐसा भी जानकारी में आया वहां के कुछ लोग इनके यहाँ रहते हैं और ये सब कुछ भी साजिश चल रही है और इसके खिलाफ भी पुलिस वहां कार्रवाई की है। इसके लिए NIA और सब जांच भी कर रही हैं और एजेंसियां भी जांच करेंगी, गृह मंत्रालय भी जांच करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन देश की सबसे बड़ी वकीलों की संस्था, देश के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था ने यह एक्शन की जो मांग की है, इस आधार पर एक्शन होना चाहिए।